हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो आपको याद ही होगा, मैंने कल वीडियो बना के आपको बताया था कि जब वीकेंड नंबर्स अपडेट होंगे एक्वामैन 2 के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के, तो यूएस कनाडा मार्केट, जिसे हम डोमेस्टिक मार्केट भी बोलते हैं, उस पर 100 मिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर लेगी ये फिल्म। और ओवरसीज का कलेक्शन जब एड अप होगा तो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस 300 मिलियन डॉलर के ऊपर निकल जाएगा। ये मैंने कल वीडियो बना के आपको बताया था। तो गाइस, फाइनली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट हो गए हैं और ओवरसीज से बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स निकल के आए। तो टोटल जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस है वो एक्वामैन 2 का हो चुका है 334 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड। यानी जो ओवरसीज मार्केट है गाइस, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड चल रही है और वहाँ पे बहुत कम ड्रॉप देखने को मिल रहा है इस मूवी को। यानी गाइस, एक बात क्लियर हो चुकी है, 400 मिलियन डॉलर तो अब ये मूवी क्रॉस करेगी ही करेगी। लेकिन कुछ ट्रेड एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर ओवरसीज में ये मूवी और अच्छा होल्ड करती है तो शायद 450 मिलियन डॉलर्स का मार्क भी ये मूवी क्रॉस कर सकती है, क्योंकि हॉलीवुड की कोई ज़्यादा बड़ी रिलीज अब नहीं हो रही है फिलहाल। तो पूरे जनवरी ये फिल्म चलती रहेगी और मे बी ये 450 मिलियन डॉलर्स के भी ऊपर निकल सकती है। और गाइज, अगर किस्मत अच्छी रही तो मे बी किसी तरीके से ये 500 मिलियन डॉलर तक भी अगर पहुंच जाए तो एक मिरेकल ही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो कैसे नेगेटिविटी फैलाई गई थी, और रिलीज़ के पहले ही बोल दिया गया था कि ये फिल्म तो 200 मिलियन डॉलर भी वर्ल्ड वाइड नहीं कर पाएगी। और स्कूपर्स ने काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ भी फैलाई कि अंदर से खबर निकल के आ रही है कि मूवी की जब टेस्ट स्क्रीनिंग की गई तो लोग बोर हो गए, कुछ लोग टेस्ट स्क्रीनिंग में सो गए। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई गई थी इस मूवी के अगेंस्ट, प्लस कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहा इस बार क्रिसमस वीकेंड में। लेकिन तब भी इस फिल्म ने 300 मिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर दिया है, 400 मिलियन डॉलर भी ये क्रॉस कर लेगी, और जब तक इसका थिएट्रिकल एंड होगा मे बी ये 450 मिलियन डॉलर्स भी क्रॉस कर जाएगी। यानी डिजिटल सेल्स, होम मीडिया, स्ट्रीमिंग पे जब इसको बाद में रिलीज़ किया जाएगा तो ये मूवी प्रॉफिट अर्न करेगी वार्नर ब्रदर्स के लिए। यानी जाते जाते डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ने एक ठीक ठाक सक्सेसफुल फिल्म दे दी है वार्नर ब्रदर्स को। और ये एक्वामैन 2 का जो बॉक्स ऑफिस है वो आंसर है उन लोगों को भी जो जेसन मोमोआ के हेटर हैं और आए दिन सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं कि ये कैसा एक्टर है, इसको तो एक्टिंग भी नहीं आती है, ये तो हर फिल्म में एक तरीके की एक्टिंग करता है, इस एक्टर को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो कलेक्शन निकल के आ रहा है ये उन सभी जेसन मोमोआ के जो हेटर्स हैं उनको एक आंसर है। दूसरी तरफ वार्नर ब्रदर्स के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि वोंका मूवी भी ओवरसीज और डोमेस्टिक मार्केट दोनों जगह बहुत अच्छा कर रही है। ये ऑलरेडी ब्रेक इवन कर चुकी है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कलेक्शन अपडेट होने के बाद अराउंड 465 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हो चुका है गाइज। 550 मिलियन डॉलर तो ये मूवी अब कलेक्ट करेगी ही करेगी, हो सकता है 600 मिलियन डॉलर भी ये टच कर जाए जब तक इसका थिएट्रिकल एंड हो। और जो तीसरी मूवी थी वार्नर ब्रदर्स की, कलर पर्पल, वो अराउंड 54 से 55 मिलियन डॉलर उसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस है। लेकिन गाइज, उससे भी ओवरसीज में रिलीज नहीं किया गया है, जनवरी 18 को वो ओवरसीज में रिलीज होगी। यानी कि गाइज, अगर एक्वामैन 2 जिसका बजट अराउंड 200 से 210 मिलियन डॉलर है, वोंका मूवी जिसका बजट 125 मिलियन डॉलर है, कलर पर्पल का बजट 100 मिलियन डॉलर है, यानी ओवरऑल अगर आप बजट देखें तो अराउंड 450 मिलियन डॉलर्स या 440 मिलियन डॉलर्स के अराउंड इसका ओवरऑल बजट है। हर हॉलीवुड मूवी को आप जानते हैं 2.5 टाइम्स करना होता है, यानी कि एटलीस्ट 1.1 बिलियन डॉलर्स ब्रेक इवन पॉइंट हो गया इस ओवरऑल बजट का। लेकिन इन तीनों मूवीज का अगर आप ओवरऑल बॉक्स ऑफिस जोड़ेंगे वर्ल्ड वाइड जो उम्मीद की जा रही है एंड बॉक्स ऑफिस इनका होगा, तो वो 1.1 बिलियन डॉलर के मार्क को क्रॉस कर जाएगा। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वार्नर ब्रदर्स के लिए नेट प्रॉफिट जनरेट होगा इन तीनों मूवीज से। यानी क्रिसमस वीकेंड और जो न्यू ईयर के हॉलीडेज रहे ये वार्नर ब्रदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहे। क्योंकि आप जानते हैं, शुरू के जो 6 मंथ रहे थे इस ईयर के वो वार्नर ब्रदर्स के लिए कुछ खास नहीं रहे थे, कई सारी मूवीज इनकी फ्लॉप हुई थी, केवल एक इविल डेड राइज मूवी थी जो सक्सेस हुई थी। लेकिन जो बाकी के 6 मंथ्स रहे उसमें हमने देखा है कि कुछ अच्छी अच्छी सक्सेसफुल मूवीज इनको मिल रही हैं, और उनमें से बारबी तो गाइज एक थी ही, आपको पता ही होगा 1 बिलियन डॉलर वो क्रॉस कर गई थी। लेकिन 2023 जब एंड हुआ तो भी गुड न्यूज लेके आया वार्नर ब्रदर्स के लिए। तो गाइज प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या एक्वामैन 2 450 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड मार्क को क्रॉस करके क्या 500 मिलियन डॉलर तक जा सकती है, क्या उसको टच कर सकती है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और आपको वोंका मूवी कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।